under the night sky, trying to make me see your stars. The dark and lonely, now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see when your stars have burnt out and your heart makes no sound. I'll find valid in your eyes, you'll always be mine. ऑलराइट, वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन एक्वा बॉय, बैक विद अ न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था अपने पिछले वीडियो में कि जो कर्नाटका एक्वेरियम है, जहाँ पर मैं आके इनके पास एक्जॉटिक पेट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, तो आज ज़्यादा नहीं, आज हम बात करने वाले हैं इगुआना, क्रैब्स और गीको, राइट, लेपर्ड गेको के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ हैं साहिल। साहिल मेरे सब्सक्राइबर का हाय बोल दो। तो आप साहिल आज बताएंगे कि इगुआना के प्राइजेस क्या हैं और क्रैब्स के प्राइजेस क्या हैं और लेपर्ड गीको के प्राइजेस क्या हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो साहिल, आपके पास कौन कौन से टाइप के इगुआना है अभी? देखिए भैया, अभी मेरे पास ग्रीन इगुआना है, ये वाला रेड इगुआना है, ओके ठीक है, हाँ जी ये वाला रेड है, 5 फुट 2 फीट का है अभी ये, अच्छा, और ये ग्रीन इगुआना है, ओके। तो आपके इगुआना तो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं सारे। तो ये इनकी एज क्या होगी अभी फिलहाल? इसका एज रहेगा एक 8 से 9 मंथ्स का रहेगा, ओके, और इगुआना का भी सेम रहेगा, 8 से 9 मंथ्स का है, ओके। तो इनकी कितना होता है लाइफ स्पैन, कितनी उम्र होती है इनकी? लाइफ स्पैन देखिए, अगर आप ठीक से पालेंगे तो आपको आराम से 70 ईयर्स तक आएंगे। 70 ईयर्स? हाँ, आप पालने के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, वैसे ठीक से उनको देखभाल कैसे करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी जैसी लाइफ है सेम इगुआना की वैसी रहती है। तो ये सारे आपके पास अभी अवेलेबल है? मेरे पास पूरा ग्रीन इगुआना है और रेड इगुआना भी है। देखिए रेड इगुआना में ये वाला रेड इगुआना, ये भी रेड इगुआना है, पूरा 2.5 फुट 2 फीट के ऊपर ही है। ओके, तो ये इनका फुल साइज है कि इससे भी बड़े होते हैं? अब मेरे पास अभी साइज में तो ये अवेलेबल है, अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर चाहिए तो उससे बड़ा अपलोड कर सकते हैं, किसी तो अभी स्टॉक नहीं हुआ ना, बट ये अभी ये इसका फुल साइज नहीं है और बड़े होते हैं। और 6 फीट तक फाइनल होता है, 6 फीट तक होता है, 6 फीट तक होता है। तो गाइज ये काफ़ी बड़े होते हैं, आपको इसका ध्यान रखना है कि ठीक है। साहिल, अब इनके प्राइजेस बताइए कि कैसे होते हैं। देखिए रेड इगुआना का के अभी 30,000 रुपीज़ चल रहा है इसका, 30,000 का, 30,000 हाँ पर पीस, ओके। और ग्रीन इगुआना का चल रहा है 25,000 रुपीज़, ओके। सो रेड इगुआना ग्रीन से महंगे होते हैं? नहीं, रेड इगुआना 30,000 का है, ग्रीन इगुआना 25,000 का। अभी क्या हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है ना, उसमें एकदम डिमांड चल रहा है, ओके। अभी कुछ आ रहा नहीं, इसीलिए प्राइस और बढ़ेगा आगे, लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं आ रहा है अभी, इसीलिए प्राइस और बढ़ सकता है। सो गाइस, जैसा साहिल ने बताया अभी आपको कि ये आप इनके पास अभी एक ग्रीन इगुआना और रेड इगुआना दोनों मिलते हैं। सो एज ऑफ नाउ द प्राइस फॉर द रेड वन इज़ 30,000 एंड फॉर ग्रीन वन इज़ 25,000। और ये प्राइस, जैसे कि सैयद भाई ने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि टर्टल के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दी लॉकडाउन इशू एंड इंपोर्ट इशू, तो इसके भी प्राइसेस जा सकते हैं। प्लस ये हैज़ मेंशन कि इसका साइज़ अच्छा खासा बड़ा होता है और इनका लाइफ स्पैन भी अबाउट 70 ईयर्स है। तो अभी अगला हम क्रैब्स के बारे में बात करेंगे। हाँ साहिल भाई बताइए। हाँ देखिए, अभी मेरे पास ये क्रैब्स हैं, हाँ जी। इसको क्रैब्स को मेंटेनेंस कैसा, मतलब जैसे टर्टल को आप हॉफ पानी रख के और सैंड डाल के रखते हैं, सेम इसका वैसे मेंटेनेंस है। तो अगर जैसे कि क्रैब्स किसी ने अपना मिनी पॉन्ड या कुछ बनाया उसके साथ डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे इसको टर्टल के जैसे हाइडिंग प्लेस चाहिए, अच्छा, जैसे अभी टर्टल कैसे रहता है, हाँ, वाटर में रहता है और बाहर भी रहता है। तो अगर आप ये किसी भी फिश के साथ डाल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबके पास गोल्डन फिश होती है, उनके साथ रह सकता है ये? हाँ रह सकते हैं, रह सकता है, एक्वेरियम में हम इसको रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल इनका क्या प्राइस है? आपको पेयर पड़ेगा 800 रुपीज़ का, सो वन, अच्छा एक पेयर है 800 रुपये का, 800 रुपये का। और ये कितने बड़े हो जाते हैं? ये आपको जितना बड़ा हो जाएगा, अच्छा, तो अभी फिलहाल इसका साइज़ है, स्मॉल साइज़ है। और इनका कितनी एवरेज लाइफ रहती है, कितना जीते हैं ये? लाइफ तो आप सभी पेट्स है ना, जैसे पालने के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ। अगर आप ठीक से पालेंगे तो रहेगा, और आपको तो इसके लाइफ में देखे हो 3 मंथ्स 4 मंथ्स, हाँ ठीक है। इसका मेंटेनेंस को जितना है सेम टर्टल जैसे, इसका अलग से फूड आता है आपको, उसका मिल जाएगा, ओके। साहिल एक बार क्लोज व्यू दिखा दो सबको कि एल्बाइनो लेपर्ड गेको, एल्बाइनो लेपर्ड गेको है, हाँ एल्बाइनो लेपर्ड गेको है। ये आपको एक पीस का पड़ेगा 15,000 रुपीज़, तो एक पीस का होता है 15,000 तो ये जो गेको है इसी में आती है कि और भी वेराइटीज़ आती हैं इसमें? नहीं, इसमें अलग अलग वेराइटीज़ भी आते हैं। इसमें एल्बिनो आता है और दूसरे कलर्स भी आते हैं। अभी इसका फीडिंग का है मिलवर्म्स। ओके, नॉर्मल मिलवर्म्स आता है ना, वो फीडिंग ले सकते हैं इसको। फीडिंग लेता है और सर्लैक। ओके, सर्लैक थोड़ा कलर है, सर्लैक फीडिंग मिल जाता है। ओके, इसका मेंटेनेंस कुछ इतना हेवी नहीं है, मेंटेनेंस ईजी है इसका। ओके, सो इसको बेसिकली आप कोई भी एक नॉर्मल सा एक्वेरियम बना के रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो आप रहता है, जो आपने कुछ अभी यहाँ पर हैमस्टर के टाइप है, ऐसे एक्वेरियम में भी रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं। गाइस ये देखिए, सो ये आपके क्या है? ये है कि चाइनीज़ हैमस्टर्स। ये चाइनीज़ हैमस्टर्स हैं, इनका क्या प्राइस है अभी फिलहाल? चाइनीज़ हैमस्टर का 1200 रुपीज़ का पेयर है। सो गाइस, साहिल ने आज हमको दिखा दिए अपने 3 पेट्स। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बट ये बोल रहे हैं कि अभी और भी जब स्टॉक्स आएंगे तब हम आप कॉल करेंगे, हम आपके सामने आके और कवर करेंगे। सो आज का वीडियो हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, बट अगेन इस शॉप का लिंक मैंने नीचे डाल दिया है और कॉन्टैक्ट नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी इसका नंबर है, तो आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।